अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। इस बीच एक महिला संगठन ने भी मंगलवार को रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट को पेश करते हुए एनी राजा ने कहा कि 370 ने कश्मीर के लोगों को एकजुट कर दिया है। लोग मान रहे हैं कि ये उनकी गरिमा और स्वाभिमान पर आखिरी आघात है। बच्चों को उठाकर ले जाया जा रहा है, लेकिन उनकी जानकारी नहीं दी जा रही है। केवल केंद्रीय जेलों के बाहर लिस्ट लग जाती है। हिंदू मुस्लिम समेत सभी धर्मों की एकता के बड़े पैरोकार माने जाने वाले मुगल सम्राट शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह की जीवनी जल्द ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनने जा रही है। दारा शिकोह शाहजहांपुर के बड़े बेटे औरंगजेब के बड़े भाई थे, लेकिन औरंगजेब के साथ सत्ता संघर्ष में वो मारे गए थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर देश के जाने माने नेता होने के साथ साथ अंग्रेजी भाषा पर अपनी पकड़ के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर अमेरिका में हाउडी मोदी को लेकर एक जानकारी शेयर की और इसमें एक गलती के कारण वे ट्रोल हो गए। इसमें थरूर से दो गलतियां हो गई। पहली कि उन्होंने जो तस्वीर शेयर की थी वो अमेरिका की नहीं थी। दूसरी गलती ये थी कि उन्होंने इंदिरा गांधी की जगह इंडिया गांधी लिख दिया। गुरुग्राम की साइबर सिटी के शिवाजी नगर थाना क्षेत्र में सोमवार शाम 7 बजे पुलिस को कंट्रोल रूम में मिली सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना थी कि 33 वर्षीय बेटे ने अपने बाप का बेरहमी से कत्ल कर दिया। इसके बाद बीच बचाव करने आई मां पर भी चाकू से 2 बार गर्दन पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस वारदात के पीछे की वजह को तलाशने में जुटी है। पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के मामले में शिकायतकर्ता लड़की पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। रंगदारी के मामले में उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है, जिसके चलते शिकायतकर्ता अपने वकील के साथ मंगलवार को अग्रिम जमानत के लिए अदालत पहुंची। हालांकि अभी तक उसकी अग्रिम जमानत को लेकर कोई जानकारी बाहर नहीं आई है। इससे पहले पीड़िता को हिरासत में लिए जाने की अपुष्ट खबर भी आई थी। कौन बनेगा करोड़पति में बीते शुक्रवार को कर्मवीर स्पेशल एपिसोड में सोनाक्षी सिन्हा ने बतौर गेस्ट एंट्री की थी। शो में सोनाक्षी सिन्हा के दिए एक गलत जवाब की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा रही। सोनाक्षी के इस गलत जवाब पर उत्तर प्रदेश के एक मंत्री का रिएक्शन सामने आया है। श्रम कल्याण परिषद के चेयरमैन मंत्री सुनील भारला ने सोनाक्षी को धन पशु बताया है। उनका कहना है कि ऐसे लोगों के पास सीखने के लिए समय नहीं है और ये बस पैसा कमाने पर ध्यान देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और भारत को अपना अच्छा दोस्त बताया। जम्मू कश्मीर के मसले पर इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप से मध्यस्थता की अपील की, लेकिन ट्रंप ने कह दिया कि दोनों की रजामंदी से संभव होगा। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने हाउडी मोदी में दिए गए नरेंद्र मोदी के बयान को काफी अग्रेसिव बताया और कहा कि वहां बैठे लोगों को ये काफी पसंद आया। हनी ट्रैप केस में गिरफ्तार महिलाओं के खुलासों से मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। अब बीजेपी के मध्य प्रदेश यूनिट ने इस केस की सीबीआई की जांच की मांग की है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी इस केस पर व्यापम जैसे ही पर्दा डालना चाहती है। बीजेपी की ओर से कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा जैसे दिग्गज नेताओं ने हनी ट्रैप के केस की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को बड़ी राहत दी है। जिन कर्मचारियों की 7 साल की सेवा पूरी होने से पहले ही मौत हो गई हो, उनके परिजनों के लिए पेंशन बढ़ाने का निर्णय लिया है। पेंशन का ये संशोधित नियम सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा, जिनमें केंद्रीय सशस्त्र बल के कर्मी भी शामिल हैं। रेपो रेट कटौती को लेकर शक्तिकांत दास ने कहा, आज हम देख रहे हैं कि कीमतें स्थिर है, मुद्रास्फीति 4% से काफी नीचे है।
हमें उम्मीद है कि अगले 12 महीने तक मुद्रा स्फीति नीचे बनी रहेगी। ऐसे में विशेष रूप से ऐसे समय जबकि वृद्धि नरम पड़ गई है, नीतिगत दर में और कमी की कुछ गुंजाइश है। हालांकि उन्होंने चालू वित्त वर्ष की वृद्धि को लेकर रिजर्व बैंक के अनुमान के बारे में कुछ बोलने से मना किया। उन्होंने कहा कि इस बारे में जो कुछ भी कहना है 4 अक्टूबर को मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा के साथ ही सार्वजनिक किया जाएगा। बिग बॉस के सीजन 13 का आगाज होने वाला है। शो को लेकर खूब बज बना हुआ है। सलमान खान ने सोमवार को शो लॉन्च किया। शो का थीम है रफ्तार, इसलिए सलमान से मुंबई मेट्रो से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे। सलमान खान 10वीं बार बिग बॉस को होस्ट कर रहे हैं। इस बार बिग बॉस का सेट मुंबई में फिल्म सिटी में है, जबकि पहले वो लोनावाला में होता था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गाड़ी पर मंगलवार को स्याही फेंकी गई और काले झंडे दिखाए गए। मुजफ्फरपुर में गरीब जनक्रांति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार को काला झंडा दिखाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने गरीब जनक्रांति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उमा शंकर यादव और जिला छात्र अध्यक्ष अंकित कुमार को हिरासत में लिया है। नीतीश कुमार SKMCH में PSU और अन्य योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने गए थे। कांग्रेस की महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी की बीजेपी सरकार पर लगातार निशाना साध रही हैं। प्रियंका ने मंगलवार को ट्वीट किया, आप उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के दावों और उनकी हकीकत का मिलान करके देखिए। बीजेपी सरकार हर रोज राज्य को अपराध मुक्त करने का ढोल पीट रही है, जबकि सच्चाई ये है कि 22 दिनों में 22 गोलीकांड, 4 हत्याएं और महिलाओं पर अत्याचार, प्रदेश सरकार अपराध पर कोई काबू नहीं है। बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना और नुसरत भरूचा के फिल्म रेम गर्ल ने बॉक्स ऑफिस पर मुकाम हासिल कर लिया है। फिल्म ने रिलीज के 11वें दिन ही 100 करोड़ के क्लब में एंट्री कर ली है। समीक्षकों की तारीफों और दर्शकों की भीड़ ने फिल्म की कमाई में 4 चांद लगा दिए हैं। राजधानी दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां प्रेम संबंध के चलते एक युवक को 36 बार चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी गई। आरोपियों के खिलाफ पश्चिम बिहार वेस्ट थाने की पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश शुरू कर दी गई है।